प्लानिंग कैसे करते हैं ऑटोकैड में, प्लान कैसे बनाते हैं, आज का लेक्चर उसी टॉपिक पे है। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ प्लान ओपन कर लेते हैं जिस प्लान को हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि उसका एलिवेशन भी कैसे रन होता है। प्लान के बाद एलिवेशन की भी बात करी जाएगी आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि यस्टरडे की असाइनमेंट सबकी हो गई है। अगर किसी का डाउट होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट मैसेज कर दे सो दैट मैं उसकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट कर सकूं। तो बच्चों ये प्लान है जो हमने छोटा सा डिस्कस करना आज। बड़ा प्लान नहीं करेंगे, छोटा सा प्लान करेंगे, फिर बड़ों की तरफ मूव करेंगे। तो कैसे ये प्लान बनेगा या कैसे हम करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट रहेगा। वो ये है कि आप सभी बच्चे, मैं आपको एक प्लॉट साइज दूंगा, एक प्लॉट साइज आपके लिए मैं सेट करूंगा। उस प्लॉट साइज में आपने मुझे एक छोटा सा प्लान जो है अपने अकॉर्डिंग, बेड साइज मैं बताऊंगा कि मुझे कितने बेडरूम चाहिए, कितने किचन चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसकी साइज सेटिंग करके मुझे एक अपनी तरफ से प्लान बना के भेजना है। अगर ये असाइनमेंट कोई बच्चा कर देगा तो मैं राजेश सर को, जो कि आपके ट्रेनिंग इंचार्ज है, उनको बोलकर आपकी असाइनमेंट में या आपके जो ट्रेनिंग के नंबर है उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट 100% करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकेंगे तो जिस बच्चे का भी मुझे लगेगा मैं जो मार्क्स उसमें रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट जो है अलग से एडिशनल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जो है, उससे पहले हम हाउ टू डू प्लानिंग उसपे बात कर लेते हैं कि ये प्लानिंग होगी कैसे। तो बच्चों ये मेरे पास एक प्लान है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें मेरे पास लेंथ तो बताई है 40 फीट। अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ तो 40 फीट बता रखा है लेकिन विड्थ जो है वो नहीं बताया। तो विड्थ कहां से निकलेगा? अब जनरली हमें पता है कि जो वॉल की थिकनेस रहती है वो रहती है 9 इंच, ठीक है, और ये प्रीवियस वॉल भी है 9 इंचेस। तो जो छोटी वॉल है उसकी थिकनेस कितनी हो गई? 4.5 इंच, ठीक है। तो आपने हाफ ब्रिक भी सुना है, आपने फुल ब्रिक वर्क भी सुना है जब आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ा है। तो हाफ ब्रिक वर्क ये है और फुल ब्रिक वर्क ये बैक साइड पे है या 9 इंच ही है। तो आज अब इसमें मेरे को कोई बच्चा अगर ये बता दे ये लेंथ कितनी होगी तो उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि उसको जजमेंट जो है वो उसका क्लियर है। कौन बच्चा हैंड रेज करके मुझे ये लेंथ बता सकता है? तो 12 फुट 10 इंच एक है जी, राहुल दवे सर कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ। हाँ जी बताइए राहुल, कितनी लेंथ बनती है बेटा? सर ये बनती है 22 फुट अराउंड। 12 फुट 10 इंच, 9 इंच ये हो गया, 9 इंच ये हो गया, 8 फुट 11 इंच। तो बच्चों टोटल करके बताओ, जल्दबाजी मत करो, टोटल करके बताओ मुझे कितनी लेंथ बनती है। आराम से अपना टाइम लो, मुझे टोटल करके बताओ कि कितनी लेंथ इसकी बन रही जी। 8 फुट 11, 12 फुट 10 और 9 इंच की 3 दीवारें हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया? तो बताओ टोटल करके बताओ मुझे कितना बना। जिसको पता चल जाएगा वो हैंड रेज करे और बता दे जी। बारह फुट दस इंच जी, बताओ बच्चों किसी का नहीं अभी तक टोटल हुआ? जी राहुल दवे सर का टोटल हो गया है जी। राहुल सर 22 फुट 9 इंच, 22 फुट 9 इंच आंसर बता रहे हैं। एक बार टोटल करते हैं, देखिए पहले आप इसको टोटल कर रहे हैं ना, पहले मेन मेन कर लो। 12 फुट ये हो गया,
8 फुट ये हो गया 12 और 8 20 आपको क्लियर हो गया कि 20 फुट तो क्लियर है। उसके बाद 9 इंच ये 9 इंच ये और 9 इंच ये और 11 इंच बीच में एक अलग है और 10 इंच एक है ठीक है। तो ये अलग से जोड़ लो, हम जोड़ेंगे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 तो ये बन गया 48 इंचेस ठीक है। तो 48 इंचेस का मतलब हो गया कि 4 फुट वो अलग से हो गया मेरे पास, 4 फुट वो अलग से हो गया क्योंकि एक इंच जो है वो 12 का रहता है, तो 12 और 8 हो गए आपके 20, 20 और 4 24, तो इसका मतलब ये इसकी टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी है 24। तो आगे से बच्चों कभी भी आपने टोटल करना है ना तो कंफ्यूजन वाला टोटल नहीं करना, मैं एक बार कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेटर पे फिर से बता देता हूं आपको। तो कैसे किया हमने, हमने 12 अलग जोड़े, तो पहले फीट नहीं जोड़ेंगे हम, इंचेस जोड़ेंगे सिर्फ, तो 9 इंच की तीन दीवारें हैं मेरे पास, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 ठीक है जी, तीन दीवारें ये हो गई, अच्छे से देख लो तीन दीवारें ये हो गई। राहुल वेट करो अभी, 27 इंचेस ये हो गया ठीक है, प्लस 10 इंचेस और कर लेते हैं इसमें क्योंकि 12 फुट 10 इंच दे रखा है मुझे, प्लस 9 11 इंच और हो गया क्योंकि 8 फुट 11 इंच दे रखा है, तो ये मेरे 48 इंच हो गए। इसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे 4 फुट कंप्लीट हो गए, सॉरी 12 से किया 48 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरे 4 फुट मेरे क्लियर मिल गए, 4 ये थे 12 ये रहा और 8 ये रहा ठीक है। तो 4 और 8 12, तो 12 और 12 24 आपका फाइनल रिजल्ट, तो 24 फुट आपका जो है टोटल ये बन गया। तो अब हम एक साइड से इसको शुरू करेंगे, हमेशा एक साइड आपने क्रिएट कर लेनी है, जब भी आपने प्लान क्रिएट करना है एक साइड आपने क्रिएट कर लेनी, चाहे आप लेफ्ट साइड क्रिएट कर लीजिए चाहे आप राइट साइड क्रिएट कर लीजिए ठीक है। तो एक साइड आपने लेनी, दूसरी हम रेफरेंस से बनाते जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनर इनर हमेशा बेडरूम की इनर डायमेंशन है हमारे पास, तो इनर डायमेंशन से हम इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए यूनिट यूएल एंटर हमेशा हमें करने पड़ते हैं, आपको पता है कि यूनिट सबसे पहले यूनिट जरूर चेक करने हैं, अगर आप यूनिट्स नहीं सेट करते हैं तो आपको डाउट रहता है। तो मैंने मेन इंचेस रख लिए, अब कैसे मुझे फीट कैसे लिखना है मैं अभी वो भी बताऊंगा, हाउ टू राइट फीट। सबसे पहले हम ऑटो कैड में अभी ड्राइंग पढ़ ले, सबसे पहले 40 फीट की लाइन बनानी है मुझे, ये 40 फीट है ये सबसे बड़ी लाइन बनाएंगे ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं प्लान बेटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया ठीक है। उसके बाद मैं टाइप करने जा रहा हूँ, क्या टाइप करने जा रहा हूँ, 40 फीट ठीक है। तो ये फीट कैसे आया, एंटर के बिल्कुल साथ कीबोर्ड पे अगर आप देखें एंटर के बिल्कुल साथ आपके पास डबल कॉमा और सिंगल कॉमा वाला एक छोटा सा की है ठीक है, कीबोर्ड पे एक छोटा सा की है, आपने उसको अगर आप टच करेंगे या उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो 40 फीट डल जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस ये करेंगे तो 40 इंच डलेगा, अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर के साथ वाले बटन शिफ्ट के बिना करेंगे तो 40 फीट डल जाएगा ठीक है। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं इसको, तो यहाँ पे मेरे पास लाइन चालू है, ऑर्थो मैं ऑन कर लेता हूँ, ऊपर को फेस करके नीचे आप देखना स्पेसिफाई न्यू पॉइंट में 40 फीट मैंने टाइप कर दिया और एंटर ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंचेस की जगह उसने फीट में वैल्यू जो है उठा लिया, तो अगर आपको फीट में वैल्यू उठाना है तो उसको आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। हाँ जी आर्यन कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ जी आर्यन। ये सर 40 फीट की लाइन नहीं लग रही, 40 फीट की लाइन नहीं लगी, हाँ जी जी अभी बता देता हूँ आपको, साहिल का भी मेरे को लगता है सेम ही डाउट होगा जी। साहिल साहिल बोलो फटाफट, हाँ जी सर सेम ही है, सेम डाउट ठीक है। 40 फीट की लाइन दोबारा बताते हैं कैसे है, तो मैंने स्पेशली तभी लिखा था टाइप किया था ये देखो 40 फीट, तो दोबारा से इसके बराबर में 40 फीट की लाइन लगाएंगे, तो L एंटर फर्स्ट पॉइंट ऊपर को फेस करके, आप देखो बाय डिफॉल्ट
कीबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपके पास आ रहा है 24 feet 3 inches less than 90 degree 24 feet 3 inches less than 90 degree. तो 40 फीट के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लाइन है ना, तो 40 लिखना है नीचे कमांड बार अगर आप देख रहे हैं, नीचे कमांड बार अगर आप देख रहे हैं तो 40 उसके साथ मैंने एंटर के साथ का फीट एंटर किया और एंटर, ठीक है जी। तो मेरी लाइन जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया था इसलिए अदर डायरेक्शन में बन गया। रिपीट करेंगे, एल एंटर फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद 40 फीट एंटर, ठीक है जी। अब ट्राई करना तो बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास इस ड्राइंग में दे रखा है कि ये 9 इंच पे है, उसके बाद ये 12 फुट 10 इंच पे, हम पीछे का बना रहे हैं बच्चों पहले, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर की बाउंड्री क्रिएट करेंगे, इसमें बाहर की बाउंड्री जो है उसको क्रिएट करेंगे। तो एल एंटर ओ स्नैप ऑन रखना है, एल एंटर ओ स्नैप ऑन। अब ये मेरे पास 24 फीट मैंने कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद नीचे को फेस करके 40 फीट मैंने डाल दिया, तो बाहर का पिछला हिस्सा मेरा क्रिएट हो। अब ऑफसेट देना है, अच्छा 40 फीट जब लिखना है, जब आपने 40 फीट लिखना है तब आपको कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा। जब आपने 9 इंचेस लिखना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, अब मैं क्या करने लगा हूं, ऑफसेट 9 एंटर, तो उसके लिए डबल कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कब यूज होगा, जब मैं 9 फीट 3 इंच लिखूंगा, ये 12 फीट 10 इंचेस लिखेंगे, या फिर 9 फीट 3 इंचेस लिखेंगे, तो तब यूज होगा। वो मैं बताता हूं अभी कि कैसे उसको टाइप करते हैं हम। तो अभी ऑफसेट 9 एंटर, तो ये मेरा इधर से 9 इंच आ गया, इधर से आ गया और इधर से आ, ठीक है जी। तीनों तरफ से मैं 9 इंच ले आया, ऑफसेट ट्रिम कर देंगे, DR डबल एंटर। तो जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको मैंने ट्रिम कर दिया। अब आगे उसने मेरे को बताया कि 12 फुट 10 इंच का ये बेडरूम है, अंदर अंदर की डायमेंशन है ये, अंदर अंदर की डायमेंशन का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन है, सॉरी यहां तक, ठीक है। तो ये 12 फुट 10 इंच यहां से यहां तक है, तो ये अंदर की डायमेंशन है मेरे पास बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, बारह फुट 10 इंच लगाएंगे। अब देखना मैं क्या लिखूंगा, अब स्टेप यहां पे मैं एल एंटर, ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट की हम वैल्यू डाल देंगे 12 फुट। अब 12 फुट 10 इंच कैसे लिखेंगे, मैं नेक्स्ट लाइन में बता रहा हूं। 12 लिखेंगे आप, फिर एंटर के साथ का बिना शिफ्ट के, विदाउट शिफ्ट एक बार प्रेस कर देंगे बटन, तो आपके पास, आपको पता ना सेमी कॉमा, इसको बोलते हैं, एक तो डबल कॉमा होता है, एक सिंगल कॉमा होता है, ठीक है। तो ये सिंगल कॉमा है, तो ये 12 फुट हो गया, और ये 10 डाल के आप शिफ्ट दबा के डबल कॉमा डाल, तो ये 12 फुट 10 इंच आपका ऐसे टाइप हो जाएगा। स्क्रीन पे करते हैं ऑटो कैड पे, ठीक है, ऑटो कैड पे इसको करके देखते हैं कि क्या इसका बनता है सिस्टम। तो ये कैसे रहेगा, L enter, ये पॉइंट मैंने चूज किया यहां से। अब मैंने लाइन अभी चल रहा है, ये देखो लाइन चल रहा है, मैंने क्लिक नहीं किया। अब मैं वैल्यू डालूंगा, क्या वैल्यू डालनी, 12 फुट, अगर आप कमांड बार में देखें 12 फुट एंटर के साथ का बटन जो है, L और एंटर के बीच में आपके पास डबल डॉट भी है और डबल कॉमा भी है, डबल कॉमा वाले को आपको यूज करना है, और 10 शिफ्ट दबा के इंच डाल देना और एंटर। ये मेरा लाइन आ गया, ये देखो पॉइंट आ गया ना यहाँ, ये लाइन बन गया मेरा, ये लाइन जो है वो क्रिएट हो गया। जिस बच्चे को नहीं पता चला उसका बाद में आप देखते हैं, मुझे ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा है, साहिल आप वेट करिए थोड़ी देर। तो ये मेरे पास आ गया, अच्छा इसको लाइन से भी कर सकते हैं आप, इसको ऑफसेट भी दे सकते हैं। अब ऑफसेट करेंगे ओ एंटर, डिस्टेंस 12 फुट 10 शिफ्ट दबा के इंच, ठीक है, तो 12 फीट 10 इंच, ठीक है। ये टाइप करना है, ये टाइप करना आपके पास कीबोर्ड पे ऑप्शन है, सभी बच्चों को बताया कीबोर्ड यूज करते हैं आप लोग, सिंगल कॉमा डबल कॉमा कैसे डालते हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो 12 फुट 10 इंच एंटर करेंगे, सेलेक्ट दिस लाइन, और ये मेरे पास ये लाइन। अब इसके बाद फर्दर मेरे पास उसने 9 इंच की फिर से बताई है, और फिर उसके बाद 8 फुट 11 इंच बताया, ठीक है। तो अब इसको करेंगे,
तो ऑफसेट 9 इंचेस ये लाइन आ गया, और उसके बाद ऑफसेट उसके बाद का ऑफसेट देने की आपको जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो 8 फुट 11 इंच का बन ही चुका है। अगर आपको चेक करना है वो 8 फुट 11 इंच है कि नहीं है तो आप डी आई एंटर करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट। तो अगर आप देखें नीचे वो बता रहा है मेरे पास कमांड बार में कि वो है 8 फुट 11 इंच, ये देखिए डिस्टेंस उसने बताया 8 फुट 11 इंच कमांड बार में नीचे उसने क्लियरली मुझे 8 फुट 11 इंच बता दिया। ठीक है बच्चों, तो 8 फुट 11 इंच का आपको वैल्यू डालने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे कुछ लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी, कुछ नहीं बनानी पड़ेंगी। अपना पिछला हिस्सा ये वाला ट्रिम कर देता हूं क्योंकि ये ट्रिम है। ठीक है, अब आगे प्लान में क्या बताया मेरे पास, अब एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था ऑटोकैड में, ऑटोकैड में जो सामने व्यू नजर आता है वो है एक्स और वाई डायरेक्शन, मतलब टॉप व्यू नजर आता है। तो प्लान भी हमेशा मेरा टॉप व्यू में ही होता है, तो इसलिए मेरे को टॉप व्यू बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। अब इसके बाद मुझे 9 फुट 3 इंच की लाइन लगाऊंगा यहां से, और ये मेरे पास ये लाइन जो है ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट सेट करते हैं। तो इसको कैसे सेट करना है, ऑफसेट देंगे 9 फुट 3 इंच, तो ओ एंटर, वही 9 लिखेंगे, फिर एंटर के साथ का बटन, फिर 3 लिखेंगे, फिर शिफ्ट प्लस डबल कॉमा एंड। ठीक है जी, तो इसको यहां से ऑफसेट, और उसके बाद ऑफसेट है 4.5 इंच का, तो वो कैसे डालेंगे, 4.5 लिखेंगे बस, क्योंकि इंच के लिए आपको डबल कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, इंच के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके यूनिट्स क्या सेट है, इंचेस, तो वो ऑटोमेटिकली उठा रहा है। अगर आपको फीट डालना है तो उसके लिए कॉमा, और बाद में खुद के साथ भी इंच डालना है तो उसके लिए कॉमा आपको यूज करना पड़ेगा। ऑफसेट 4.5 एंटर। ठीक है जी, तो ये मेरा 4.5 पे किया, तो मेरा ये बॉक्स कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने मुझे बताया है कि 3 फुट पे क्लोजेट है ये वाला, 3 फुट पे, उसके बाद फिर 4.5 इंच, फिर 5 फुट पे, फिर 9 इंच, तो एक ही बार में मैं इसको सेट करूंगा। कैसे सेट करेंगे, ऑफसेट लेंगे 3 फुट का, तो सबसे पहले ये लाइन आ गया, फिर ऑफसेट लेंगे 4.5 का, फिर ये लाइन आ गया, फिर ऑफसेट लेंगे 5 फुट का, अगला लाइन आ गया। ठीक है, ऑफसेट लेंगे उसके बाद 9 इंच का, तो मेरे पास सारे एलिमेंट मैंने एक ही बार में सेट कर लिए, सो दैट मेरा कोई इशू ना रहे। अब यहां पे मुझे 18 फीट बता रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 18 फीट दूसरे बेडरूम का तो बता रखा है, चाहे मैं उससे कर लूं नहीं तो एक्सटेंड कमांड तो मुझे पता ही है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक लाइन में है, ये लाइन और ये लाइन एक लाइन में है। ठीक है, तो ये मुझे कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे मैं एक्सटेंड कर लूं नहीं तो मैं उसको भी ऑफसेट, अगर मुझे क्रॉस चेक करना मैंने ठीक किया कि नहीं, तो ऑफसेट 18 फीट, फीट डालने के लिए फिर से एंटर के साथ का बटन, एंटर, तो ये मेरे पास लाइन जो है वो देखिए बिल्कुल सामने लाइन आया, तो आपको कोई इशू नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना है तो आप चीजें चेक भी कर सकते हो। उसके बाद ऑफसेट है 9 इंच का, तो मैंने 9 इंच पे ऑफसेट भी दे दिया। ठीक है, तो यहां तक एलिमेंट जो क्रिएट हो गए मेरे, फर्दर का ऑफसेट डाइनिंग एरिया का मुझे नहीं बताया। अब मुझे आगे से डिस्टेंस दिया है, मतलब डाइनिंग का मेरे को डिस्टेंस नहीं दिया, तो अब मेरा जो ये वाला एरिया है जिसका डिस्टेंस मेरे पास नहीं है वो आगे से सेटअप होगा। आगे से कैसे सेटअप होगा, तो मैं यहाँ पे किचन का साइज बना लूंगा, स्टोर का बना लूंगा, ये दोनों लाइन आ जाएगी, जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली डाइनिंग और लिविंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ कि जो बचेगा वो मेरा ऑटोमेटिकली डाइनिंग एरिया हो जाएगा। तो क्या उसकी डायमेंशन रहेगी, 7 फुट 8 इंच। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, फ्रंट पे लाइन नहीं है तो एल एंटर करके ये फर्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, लाइन बन गया। अब ऑफसेट लेंगे 9 का पहले, क्योंकि 9 इंच का ऑफसेट है, अगर आप देखें ध्यान से तो 9 इंच का ऑफसेट है। उसके बाद 7 फीट 8 इंच ऑफसेट, 7 फीट 8 इंच। ठीक है जी, एंटर, तो ये मेरे पास, तो बीच में जो बचा वो मेरा क्लियरली, मैं ट्रिम कर दूं तो ये मेरा क्लियरली डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया बच गया। अब इसमें ये छोटी छोटी ओपनिंग है उसको काटना है मुझे, प्लस ये साइज देखना है। अब 7 फुट 1 इंच पे और उसके बाद 5 फुट पे लाइन है, तो वो भी बना लेते हैं लगे हाथ। तो चलिए डिफाइन करते हैं, 7 फुट 1 इंच और ऑफसेट 7 फुट 1, शिफ्ट दबा के डबल कॉमा एंटर,
तो ये मेरे पास ये लाइन आ गया। अब मैं इसको बाय सिलेक्शन ट्रिम करूंगा, टी आर सिंगल एंटर, ये मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, ये मैंने ट्रिम किया। अब ये लाइन का सॉरी टी आर बाय सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट किया एंटर और ऊपर का मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है जी, तो एक ही बार में आपका सारा ऊपर तक ट्रिम हो गया, नहीं तो आप टी आर डबल एंटर से लगे रहते तो कितनी देर होना ही नहीं था। ठीक है, आपको सिंगल एंटर भी बताया मैंने, डबल एंटर भी। और उसके बाद ऑफसेट है 4.5 इंची का, तो ऑफसेट दे देंगे, ये दोनों लाइन नहीं चाहिए मुझे, ये डिलीट कर देते हैं। ऑफसेट 4.5, ऑफसेट 4.5, तो ये 4.5 पे, उसके बाद ऑफसेट 5 फुट, तो ये 5 फुट पे, और उसके बाद ऑफसेट 9। ठीक है जी, तो यहां तक मेरे एलिमेंट जो है वो डिफाइन होते हुए, बाहर का भी एक 4.5 इंच निकाल लेते हैं ताकि मेरा यहाँ तक का काम जो है कम्प्लीट हो जाए। ऑफसेट 4.5, तो ये मेरा यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। अब ट्रिम करेंगे, अब जो जो ट्रिम करना है उसको ट्रिम करते जाएंगे, साथ में ये जो एलिमेंट्स है वो भी बनाएंगे। उससे पहले अब ये डोर एंड विंडो ओपनिंग्स है, ठीक है, तो ये ओपनिंग्स यहाँ पे किचन की ओपनिंग नहीं बता रखी क्या साइज है। तो ये बच्चों जब हम किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं ना, तो किचन ओपनिंग उसके साथ डिस्कस करके ही फाइनल होती है, तो इसलिए जनरली हम अपने कभी भी प्लान में ये साइज मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर आपने रखना है तो स्टैंडर्ड जो रहता है वो 3 फुट या 4 फुट, जो बच्चे सुन रहे हैं लिख भी सकते हैं कि स्टैंडर्ड 3 फुट या 4 फुट की ओपनिंग रहती है। एक साइड में अगर लेनी है तो एक साइड पे, अगर डबल साइड पे लेनी है, मान लीजिए आप एल शेप किचन बना रहे हैं, सॉरी एल शेप बना रहे हैं, तो फिर एक साइड में आएगा। और अगर आप यू शेप बना रहे हैं किचन, यू शेप किचन बनाएंगे तो आपका सेंटर से ओपनिंग रहेगा। आजकल आइलैंड वाले किचन चलते हैं, तो यहाँ पे जो काउंटर रहता है, जो यहाँ पे कई बार काउंटर बनता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड वाले किचन में एक साइड से ओपनिंग रहता है, दूसरी साइड से क्लोज रहता है। ठीक है, तो बच्चों अभी ये डोर साइज ये वाला, अब नीचे डोर साइज मेरे पास मेंशन्ड है, जो D1 बता रहा है वो बता रहा है, और D3 बता रहा है 5 फुट। ठीक है, तो सबसे पहले अब नीचे से ओपनिंग्स भी देखते जाते हैं और विंडो भी बनानी है हमें। तो एल एंटर एक यहां से लेके यहां तक लाइन लगा लेंगे ताकि मुझे मिड पॉइंट मिल सके। अब एल एंटर करेंगे, ये मैंने एक लाइन बना लिया, ऑफसेट लूंगा इसका मैं 2.5 फीट का, 2.5 फीट इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए। एक्सटेंड करेंगे ई एक्स डबल एंटर, इसको मैंने सबको यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये लाइन का पर्पज खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। और ट्रिम कर देंगे तो मेरे पास दरवाजा खुल गया, डी आर डबल एंटर, ये देखो मैंने दरवाजा ओपनिंग जो है वो क्रिएट कर लिया। जंक्शन पॉइंट जो है उनको मैं ट्रिम करता जाऊंगा ताकि मेरा बाकी का काम भी जो है वो कंप्लीट होता जाए। ठीक है, ये देखिए साथ साथ में इसको हम ट्रिम करते जा रहे हैं ताकि हमारा बाकी का काम जो है वो होता जाए। यहाँ की एक पॉइंट मैंने अभी ट्रिम नहीं किया क्योंकि मुझे ये सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, विंडो यहाँ पे भी बनेगा, या मैं मूव भी कर सकता हूँ। चलिए इसको ट्रिम करते हैं, मूव करेंगे इसको, बाहर बनाएंगे मूव करेंगे, आपको मूव कमांड मैंने बताया हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहां तक का ये एलिमेंट मेरा डेवलप होता हुआ। अब उसके बाद मेरे पास ये डोर जो है स्टोर का, इसका साइज नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये D1 D2 D3 कुछ नहीं बताया, तो मैं अपनी तरफ से इसको D1 मान लेता हूँ और 2 फुट छोड़ लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये आप छोटा सा टक देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आप टक देख रहे हैं, ये वाला दिस पोर्शन, ये जो टक है बच्चों ये इसलिए दिया जाता है कि कभी भी चुगाड़ जो है ना, कभी भी, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, किसी बच्चे ने नोट करना है तो नोट भी कर सकता है कि कभी भी चुगाड़ जो है वो हमेशा तो जो हमारे पास वॉल रहता है उसके बिल्कुल साथ नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ा सा हटके लगाते हैं। अगर साथ लगाते हैं ना तो उस दीवार में उसके क्रैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चुगाट के लिए अलग से 3 इंची या 2 इंची की अलग से ये दीवार बना लेते हैं, जो ये बनाई हुई है छोटी सी, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक छोटी सी दीवार बन जाती है, एक टक बन जाता है छोटा सा, उसमें हम लगाते हैं सो दैट हमें कोई दिक्कत ना हो सके। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं एक बार फिर से लिंक भेज दूंगा अगर मुझे जरूरत फील हुई तो, अगर कंप्लीट हो गया तो इसको नहीं करेंगे। तो फर्दर क्या है इसमें, इसको अब मैं 2 फुट लेना है, तो सबसे पहले मैं एल एंटर करूंगा, ये पॉइंट मैंने चूज किया, यहां से मैं 3 इंच आ गया, 3 एंटर, और इधर को फेस करके ऐसे एक लाइन कर दिया, तो ट्रिम कर दिया, तो ये मेरे पास एक टक बन गया जो मैं चाहता।
अब क्या है ऑफसेट लेंगे 2 फुट का तो दरवाजा बन जाएगा। ये मेरे पास ऑफसेट 2 फुट ये लाइन का मैंने ऑफसेट लिया, ट्रिम दिया, डबल एंटर दिया, ठीक है जी। अब दरवाजा बनाना भी है, आर्क मैंने आप सबको बताया, ये आप दरवाजा देखे, आप ध्यान से देखो दरवाजा कैसे बनेगा। मैंने थोड़ा जूम कर दिया फिगर को, सिर्फ दरवाजा बताने के लिए मैंने इसको जूम किया है। तो ये थोड़ी सी डबल लाइन आपको नजर आ रही है, कल मैंने आपको थिक और मीडियम लाइन बताई थी, आपको लाइन टाइप बताई थी, आप इसको थिक कर सकते हैं बाद में, अभी हम सिंपल ही बनाएंगे। तो सिंपल में क्या करूंगा मैं, अब 2 फुट का दरवाजा है, ठीक है, और सेंटर से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखें तो ये मिड पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको शुरू करने के लिए या क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, एल एंटर मिड पॉइंट चूज करेंगे और यहां से 2 फीट राइट डायरेक्शन देकर 2 फीट पे इसको मैं क्रिएट कर, ये लाइन मेरे पास आ गया। अब मुझे आर्क बनाना है, मैंने आपको आर्क बताई थी स्टार्ट एंड रेडियस, आज मैं आपको दूसरी टाइप की आर्क बता रहा हूं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। आर्क टाइप 2, पहले आप स्टार्ट पॉइंट चूज करेंगे, फिर आप एंड पॉइंट चूज करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्शन चूज करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो ऑन रहे, स्टार्ट एंड डायरेक्शन के लिए ऑर्थो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो आर्क ए एंटर, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड के लिए ई एंटर, ये मेरा एंड पॉइंट। अब आपके पास एंगल, डायरेक्शन और रेडियस तीनों ऑप्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन के लिए डी एंटर, ठीक है, तो ऊपर को क्लिक करेंगे तो ऊपर को बन जाएगा, इधर को करेंगे तो इधर को बन जाएगा। तो ऊपर को बनाना है तो मैंने इस तरह को करके इसको फेस और क्लिक कर, तो मेरा आर्क बन गया। आई विल रिपीट दिस, ए एंटर स्टार्ट पॉइंट ये वाला, ई एंटर एंड पॉइंट ये वाला, उसके बाद एंगल, डायरेक्शन या रेडियस, तो डी एंटर करेंगे आप, डी एंटर और इस तरह को फेस। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो यहां से आर्क आपके पास है, यहां से आप चूज द स्टार्ट एंड डायरेक्शन करिए। अगर आपको टाइप नहीं करना है, टाइप में कुछ दिक्कत लगता है, तो कमांड बार में जाइए, ड्रॉ टूल बार में, वहां से इसको चूज करने के लिए, इसको डिलीट करते हैं, वहां से बनाते हैं आर्क, आर्क स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये स्टार्ट, ये एंड और ये डायरेक्शन, देखिए ये फटाफट बन गया, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है तो आप इसको यहां से ऐसे भी बना सकते, ठीक है। तो ये आपका डोर भी बन गया, ठीक है। अगर आपने आर्क ऐसे शो किया तो इसका मतलब डोर इस तरफ को खुल रहा है, और अगर आपने आर्क इस तरफ को शो किया तो डोर इस तरफ को खुल रहा है। तो ये सर्कल जिस तरफ को जा रहा है इसका मतलब डोर उस डायरेक्शन को खुल रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाऊंगा, एल एंटर, यहाँ तक एक छोटी सी लाइन लगा देंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ओपनिंग देना है। तो ओपनिंग देने के लिए सबसे पहले मैं एक टक लगाऊंगा छोटा सा, तो चलिए 4 इंच का टक लगा लेते हैं। ऑफसेट 4 एंटर, तो ये टक आ गया। उसके बाद ऑफसेट 4 फीट एंटर, ठीक है जी। तो ये मैंने 4 फीट थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, ओपनिंग मेरा छोटा लग रहा है, तो 3 फुट दे देते हैं। ये पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ऑफसेट देते हैं 3 फीट एंटर। तो जरूरी नहीं है बच्चों की जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ वही लगे, आप हिट एंड ट्रायल करेंगे उससे आपका काम जो है जुड़ेगा। ये पॉइंट का पर्पस करता हूँ, इसको डिलीट कर। ये देखो इतना फिगर मेरा कंप्लीट हो गया, इतना प्लान मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे का प्लान मेरा कंप्लीट आपको नजर आ रहा, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको विंडो बनाना बता देता हूँ। पूरा प्लान मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं पहले से आपको क्लियर कर रहा हूँ, पूरा प्लान मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है। एक ये वाला डोर आपको बता देते हैं, इसमें आप फंस सकते हैं, तो ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल एंटर, ये डोर का साइज है 5 फुट, ठीक है। तो ये 2.5 फुट एक तरफ से, 2.5 फुट दूसरी तरफ से, 2.5 फुट बनाएंगे, 2.5 फीट एंटर। और यहाँ पे मिरर करना है, मिरर कर दो, नहीं तो फिर से एल एंटर, यहाँ से सेंटर से पिक करके 2.5 फीट एंटर, ठीक है जी। तो ये मेरा 2.5 फुट बन गया, ठीक है। अब मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 2.5 फुट पे, 2.5 फीट पे एक ऑफसेट ले लेते हैं, मुझे मिड पॉइंट भी चाहिए। क्यों चाहिए मिड पॉइंट? क्योंकि आर्क मुझे स्टार्ट एंड डायरेक्शन लगानी है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन ये लग गया। उसके बाद फिर से आर्क, स्टार्ट एंड डायरेक्शन ये लाइन का पर्पस खत्म, ये डोर मेरा क्रिएट होता, ठीक है। ये देखिए आपको ये नजर आ गया, ठीक है, ये भी डोर हो गया। अब ये किचन में ये स्लैब बनती है,
स्टैंडर्ड आप सबको पता है कि 2 फुट की स्लैब रहती है बच्चों, ठीक है, 2 या 2.25 फुट डिपेंड करता है। तो इसको ऑफसेट लेंगे 2 फीट का, 2 फीट एंटर यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। आप ट्रिम करेंगे टी आर डबल एंटर या टी आर सिंगल एंटर करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके ये ट्रिम हो गया, सॉरी ये ट्रिम हो गया, और उसके बाद टी आर डबल एंटर ये दोनों। तो मेरे पास ये देखो आपने किचन का स्लैब भी छोड़ा। अब मेरा विंडो बचा है, मैं फटाफट से आपको विंडो बता देता हूँ और उसको कैसे प्लेस करना है सेंटर में वो बता देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका विंडो का उसने बताया कि ये W है, ठीक है। तो W का साइज है 3 फुट 3 फुट चेंज बाय 4 फुट चेंज। तो बच्चों जो मेरे पास साइज फर्स्ट साइज लिखा होता है ये मेरा हमेशा हमेशा तो नहीं ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन जनरली जो फर्स्ट साइज होता है वो मेरा इसका विड्थ रहता है, ठीक है। हमेशा जो विंडो का विड्थ होता है वो बताया होता है, मतलब तो विंडो जो बनेगा वो आपका उसी साइज का बनेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, बाहर बना लेते हैं एल एंटर फर्स्ट पॉइंट 3 फीट 6 इंच शिफ्ट दबा के, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब विंडो की जो उसने मोटाई बता रखी है वो बताइए 9 इंच, इसमें ये बताया देखो विंडो इसमें शो करते हैं प्लान में, तो वो 9 इंच बताइए। तो अब क्या करूंगा, मैं ऑफसेट लूंगा 9 इंच का, 9 एंटर, तो ये बन गया। एल एंटर से ये और ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बीच में ये छोटा सा मुझे 2 लाइन बनाना है, इनका ऑफसेट क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है तो ऑफसेट ले लेते हैं, ले लीजिए 2.25, ठीक है। 2.25 से क्या होगा, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस आ जाएंगे, लेकिन 2.25 से ये सेंटर में आपकी जगह ज्यादा बच गई। तो अब क्या ट्राई करेंगे हम, मैंने हिट एंड ट्रायल किया, अब मैं ट्राई करता हूँ 3 इंच। तो 3 इंच इधर से ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 3, तो मेरा 3 पे बिल्कुल ठीक आ गया। तो विंडो का जस्ट एक सिंबल है बच्चों, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो बना देंगे सही रहेगा। अब विंडो यहाँ पे प्लेस करना है, मैंने आपको मूव कमांड बताया था, ठीक है। तो मूव कैसे करेंगे, सबसे पहले एम एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर कंट्रोल दबा के राइट क्लिक, ठीक है। तो मिड बिटवीन टू पॉइंट, तो ये वाले 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक, फिर मिड बिटवीन टू पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ऑटोमेटिकली मेरा विंडो के सेंटर में प्लेस हो गया। अब यही विंडो मुझे यहाँ पे भी चाहिए था क्योंकि W ही साइज है उसका। आपको कॉपी कमांड बताया, CO एंटर ब्लू सिलेक्शन एंटर, इसको बाहर निकाल लो यहाँ पे। अब इसको मूव करेंगे, M एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर कंट्रोल राइट क्लिक मिड बिटवीन टू पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फिर कंट्रोल राइट क्लिक मिड बिटवीन टू फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो पिक ढंग से करना है। अगर आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच में सेट करना है तो ऊपर के 2 पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको नीचे के पॉइंट पे तो नीचे के 2 पॉइंट पिक करेंगे, अदरवाइज आपका आउट हो सकता है, ठीक है। तो बताना मेरा फर्ज है। अब क्या इसमें ट्रिम ये रह गया डी आर डबल एंटर, तो ये मैंने ट्रिम। तो बच्चों ये देखो यहाँ तक मेरा जो है प्लान कंप्लीट होता हुआ। अब 1 मिनट का समय बचा है, जितना कंप्लीट होगा उतना कर देंगे, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। अभी टेक्स्ट वगैरह आपको नहीं बताया, तो टेक्स्ट वगैरह जो है वो आपके कल के लेक्चर में रहेंगे, तो टेक्स्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ साइज देने हैं और इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये डोर साइज है यहाँ पे, ये D1, तो D1 का साइज क्या है मेरे पास 3 फीट, तो देखते हैं जल्दी से जितना बन सके उतना बनाएंगे। तो सबसे पहले L एंटर, इसमें भी इसमें टक नहीं दिया है, तो टक देना था, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे जो दिया उसी हिसाब से 3 फीट एंटर, ये पॉइंट आ गया, ट्रिम करेंगे यहाँ पे, ये देखो मैंने ट्रिम कर दिया, ये लाइन का पर्पस खत्म, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद मेरे पास ऊपर भी 3 फीट की ही ओपनिंग दी है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ EX डबल एंटर, ठीक है जी। यहाँ तक एक्सटेंड किया तो ये मेरे पास ट्रिम ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया, आगे मेरे पास क्या दिया है, आगे उन्होंने D2 बता रखा है, तो D2 भी सेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले L एंटर, यहां से टक बना लेते हैं, L एंटर 3 इंच का टक बनाया मैंने, 3 एंटर, ठीक है। फिर से